ये पेशेंट जो तेज गति से एक्सीडेंट होता है उनमें दिमाग की चोट हो सकती है, छाती या पेट में चोट हो सकती है और मल्टीपल फ्रैक्चर्स हो सकते हैं। ऐसे पेशेंट में अगर मैं ऑर्थोपेडिक पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ तो सबसे पहले फीमर बोन का फ्रैक्चर है या तो पेल्विस का फ्रैक्चर है, उसमें 1 से 1.5 लीटर का खून उधर ही बह जाता है। ये पेशेंट्स को तुरंत ही ICU में एडमिट करके उनको ब्लड का ट्रांसफ्यूजन देना पड़ता है, वरना ये पेशेंट्स का ब्लड प्रेशर ड्रॉप होने से और बाकी का DIC करके कॉम्प्लिकेशन होने से वो पेशेंट्स के जान का जोखिम रहता है। ऐसे पेशेंट्स को टेम्पररी फिक्सेशन के लिए हम स्केलेटल ट्रैक्शन या तो एक्सटर्नल फिक्सेटर का उपयोग करते हैं। जब भी वो पेशेंट मेडिकली फिट हो जाए उसके बाद मल्टीडिसिप्लिनरी एनेस्थेसिया टीम को लेकर उनका डेफिनेटिव सर्जरी का प्लान करते हैं। जिस टाइप का फ्रैक्चर हो उसके हिसाब से वो हम हड्डी को फिक्स करते हैं और उसमें से सेफली वो सर्जरी के बाद उसको रिकवरी के लिए ICU में वापस डालते हैं। वो जब भी पेशेंट मेडिकली कन्फर्म हो जाए फिटनेस के बाद उसको रूम में शिफ्ट करते हैं। वो पेशेंट्स का प्रॉपर फिजियोथेरेपी होना और वो पेशेंट्स का प्रॉपर डाइट जाना, न्यूट्रिशन सप्लीमेंट प्रोटीन वो सब डाइट देके उसको अपनी ज़िंदगी में वापस लाने का ट्राई करते हैं। ऐसे पेशेंट्स में कई बार हमको न्यूरोसर्जन जो CTVS सर्जन बोलते हैं और गैस्ट्रो सर्जन उनका साथ चाहिए। ये पेशेंट्स एक सिंगल सर्जन का काम नहीं है, उनमें बहुत सारे सर्जन को एक साथ मिलकर वो पेशेंट्स की जान बचाने का ट्राई करना चाहिए। अगर आपको ऐसा कोई भी पेशेंट्स का पता है जिसको बहुत तेज गति से एक्सीडेंट हुआ है तो तुरंत ही सिम्स हॉस्पिटल का एम्बुलेंस का संपर्क कीजिए और उनको हमारी इमरजेंसी रूम में लेकर इधर से हम इनिशियली ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देंगे। थैंक यू वेरी मच।